आज मैं बात करता हूँ कि क्या YouTube पर आपका करियर बन सकता है, क्या या आप भी YouTube पर सफल हो सकते हैं, क्या YouTube से आप बहुत सारा रुपया कमा सकते हैं, क्या आप YouTube पर एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार जीवन जीने की संभावना को खोज सकते हैं। हाँ, इसका जवाब सीधा सीधा दिया जाए तो हाँ ही है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बैरियर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, अच्छी वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए, अच्छा वीडियो क्वालिटी के लिए, अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए महंगा या अच्छा माइक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। सबसे मेन मायने रखता है कॉन्टेंट। अगर कॉन्टेंट ही दमदार हो, चाहे वो कैसा भी हो, आप बीबी की वाइंस के वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना बेहतरीन कंटेंट था, लेकिन बंदे में टैलेंट था, लोगों को लगा कि इसमें टैलेंट है, इसे आगे आना चाहिए, लोगों ने सपोर्ट किया और वो आप देख सकते हैं कहाँ पर है वो बंदा। तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आपके पास संसाधन कितने हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास संसाधन बहुत अच्छे ही स्तर के हैं, काम चलाऊ भी हों तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों, सफलता पर किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लिखा होता है कि यही व्यक्ति सफल होगा। वो हर व्यक्ति सफल होगा जो अपना काम अपने पूरे दिलो जान से करता है। मुझे 2017 से अब तक YouTube पर काम करते करते तकरीबन 4-5 साल हो गई। मेहनत करता रहा, काफ़ी सारे चैनल्स भी बनाए इसी उम्मीद में कि ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वो ग्रो ही नहीं किए। मैं जिस वीडियो की उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा चल जाएगा, वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलता। हर दिन YouTube पर हज़ारों चैनल बनाए जाते होंगे, आप सभी जानते हैं कि हज़ारों चैनल बनते होंगे, लेकिन कितने यूट्यूबर्स सक्सेसफुल होते हैं उन हज़ारों में? हज़ार तो नहीं होते होंगे। अगर मैं मान के चलूं कि एक दिन में 2000 चैनल बन रहे हैं, तो 2000 चैनल के ओनर सारी सक्सेसफुल हो जाते होंगे, तो क्या आप ये मान लो कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता होगा? ऐसा भी नहीं है। 2000 में 20-30 तो ऐसे होते होंगे जो सक्सेसफुल होते हो जाते होंगे, ये भी सही बात है। तो अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है कि आप YouTube पर चैनल मत बनाओ, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो आप किसकी सुनोगे, उसकी जो आपको ये बातें बता रहा है या फिर अपनी? आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। अगर आपको शुरू करना है तो आप शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस पर किसी का नाम लिखा है कि भाई यही इंसान आगे बढ़ सकता है। मैंने उदाहरण के तौर पर 2000 चैनल बताया, तो 2000 में अगर 20-30 भी बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आप उन 20-30 की लिस्ट में हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग खुद तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं अपने ही काम में। ऐसा लगता है कि उन्होंने ही कुछ खास काम कर दिया है, बाकी दूसरे नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ऐसा करने से मिलता क्या है? मिलता ये है कि वो चाहते हैं कि इस जगह पे कंपटीशन ना हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप मान के चलिए आपकी कोई दुकान है, तो आप चाहेंगे कि मेरे बगल में भी मेरे जैसी कोई दुकान आ जाए और वो चलने लगे। लेकिन अच्छा तैराक वही होता है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ में कितने तैर रहे हैं। अच्छा तैराक वही है जो ये सोचता है कि मैं कितना अच्छा तैर रहा हूँ। अगर आप YouTube पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं या कोई भी गारंटी तो नहीं दे सकता कि आप कब सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलर वीडियोज़ डालते हैं, तो और थंबनेल आप थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाइए बस, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके वीडियो का एक पोस्टर होता है जिसे देख के इंसान क्लिक कर देता है। वीडियो के अंदर की क्वालिटी भी मायने रखती है, लेकिन मेन तो पोस्टर ही होता है। पोस्टर आप अच्छा सा बस बनाना सीख जाइए। रही बात दूसरी चीज़ों की कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो क्वालिटी, गैजेट्स, ये सब भी मायने रखती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपको अच्छा स्किल आएगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे।
आज भी YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो 10-10 सालों से बने हुए हैं और उनके केवल 9 या 10 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स हैं। उदाहरण के तौर पर चीप एंड चीकी, एक USA की एक लेडी है, उसने ये चैनल बनाया था सन 2012 में। तो 2012 से वो अब तक वीडियोस डालती आ रही है। सब्सक्राइबर्स आप देखेंगे तो शायद उसके 9,500 या 10,000 के करीब ही सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन वही है कि उसका पैशन है, तो जिसका पैशन है वो कभी रुकता नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ग्रो हो गया कितना नहीं हो गया। हालांकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मनी प्रॉब्लम। ज़्यादातर हम जैसे लोग होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, आर्थिक तौर पर इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। तो पैसा, मैं मान रहा हूँ, सबकी रिक्वायरमेंट होती है। पर आप दिमाग में ये सोचिए कि अपना कार्य अगर अच्छा करेंगे तो पैसे भी आते हैं और खूब आते हैं। आपने यूट्यूबर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने यूट्यूब की ही कमाई से 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए की गाड़ी ले ली है और अच्छा बंगला बना लिया है, अपनी सब सारी चीज़ें जो वो जीवन में करना चाहते थे वो कर चुके हैं, ले चुके हैं उन चीज़ों को। तो आप किसी नेगेटिव बात को तो बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको YouTube पर काम करना है तो YouTube भी आपका स्वागत करता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल YouTube ने जो अपना शॉर्ट्स लॉन्च किया है उसमें डेली 30 बिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक तरह से। YouTube ने केवल अपना एक डेटा दिया है कि 30 बिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स से मतलब एक दिन में आते हैं। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। और आप देखेंगे तो शॉर्ट्स वीडियोस ज़्यादातर लोग देख लेते हैं, उनको क्या है कि स्क्रॉल कर करके आपका भी वीडियो आ जाता है। अगर आपने अच्छा वीडियो बनाया है तो आपका भी देखा जाएगा और हो सकता है वहाँ पर व्यूअर्स भी आपके चैनल से जुड़ जाएं। मान के चलिए अगर 2 वीडियोस आप फुल बनाते हैं तो 10 वीडियोस आप शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट वीडियोस बनाने का फ़ायदा ये है कि उनके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनमें थोड़ी आपकी मेहनत भी कम लगती है। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि शॉर्ट्स के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी आप सोचें कि यूट्यूब पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो क्वालिटी और महंगे मोबाइल, ये सब आप अपने दिमाग में मत लाइए। आपके पास जितने भी संसाधन हैं उन्हीं से काम करना सीखिए, कम हैं तो कम से सीखिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे ख्याल से आजकल सारे मोबाइल्स ऐसे आते हैं जिनसे वीडियो ठीक क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाता है। रही बात ऑडियो की, तो आप 500-700 रुपये का बोया BY-M1 माइक खरीद के ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका चैनल अच्छा चल जाता है तो आप दूसरे भी माइक खरीद सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, सोनाटा कंपनी का एक माइक है जो 1500 रुपए का है, वायरलेस है, केवल 2 पीस में है। एक हिस्सा आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं और दूसरा हिस्सा आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्यों, वैसे मैंने उसको यूज़ तो नहीं किया है लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ उसके मैंने नहीं देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो माइक सस्ता भी है और वायरलेस है और काफ़ी मतलब आपके काम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बजट के साथ माइक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है तो हल्के फुल्के इतने रुपए तो कोई भी कर लेता है, तो शुरू कर सकता है। रही बात एडिटिंग की, तो जब आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि कहाँ पर मुझे कट लगाना है, कहाँ पर मुझे म्यूजिक देना है, कहाँ क्या करना है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तो मैं समझता हूँ आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने दिमाग में मत लाइए। YouTube बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आपका हर सपना साकार हो सकता है, आपने जो भी देखा है। अगर आप सच में यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो, अगर आप दूसरे फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो सभी अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ बन सकते हैं, वो अलग अलग मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। तो अगर आपको यूट्यूबर बनना है, अगर आपकी दिली इच्छा है, तो YouTube आपके लिए सबसे बेहतरीन और अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। बस यही है कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 2000 चैनल अगर एक दिन में YouTube पर बनाए जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 2000 सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन ये भी पक्की बात है कि 2000 में 20 या 30 तो चैनल सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो हो सकता है कि आप उन
20 30 की लिस्ट में आ जाएं। इसलिए अपना प्रयास बिल्कुल मत छोड़िए, कार्य करते रहिए, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ज़रूर सफल हों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये दी हुई जानकारी कैसी लगी और आप इससे इंस्पायर हुए या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। और मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।